सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप छिंदवाड़ा जिला के वासी है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक छिंदवाड़ा जिला के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग की ओर बसा है, जिस वजह से इसके दक्षिण की सीमाएं महाराष्ट्र राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर छिंदवाड़ा शहर में मौजूद है और छिंदवाड़ा जिला जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। छिंदवाड़ा जिला पहले महाराष्ट्र के नागपुर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में छिंदवाड़ा को नागपुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। 1 नवंबर साल 1956 में नागपुर के कुछ हिस्से को लेकर छिंदवाड़ा जिला का गठन किया गया था और साल 1867 में छिंदवाड़ा को नगर पालिका में स्थापित किया गया था, जो कि मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतपुरा पहाड़ियों पर स्थित है। छिंदवाड़ा जिला और शहर का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। छिंद का मतलब तार का पेड़ और वाड़ा का मतलब जगह, क्योंकि इन जगहों पर पहले के समय छिंद के पेड़, जिसे तार का पेड़ कहते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते थे, जिस वजह से इस शहर का और जिले का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इन जगहों पर शेरों की आबादी होने की वजह से, जिसे हिंदी भाषा में सिंह कहा जाता था, इन सिंह का प्रवेश द्वार छिंदवाड़ा हुआ करता था, जिस वजह से पहले के समय इन जगहों का नाम सिंह द्वार हुआ करता था, जिसे वक्त के साथ धीरे धीरे सिंह द्वार नाम से बदलकर छिंदवाड़ा नाम भी बदल गया था। 6 जनवरी साल 1921 को महात्मा गांधी, 18 अप्रैल साल 1922 को सरोजनी नायडू और 31 दिसंबर साल 1936 को पंडित जवाहरलाल नेहरू छिंदवाड़ा जिला आए थे। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला 6 पड़ोसी जिलों के साथ आपस में घिरा हुआ है, जिसका नाम सिवनी जिला, नरसिंहपुर जिला, होशंगाबाद जिला, बैतूल जिला, नागपुर जिला और अमरावती जिला है, जिस वजह से छिंदवाड़ा जिला के उत्तर से पश्चिम भाग की ओर मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला, उत्तर भाग की ओर मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला, पूर्व भाग की ओर मध्य प्रदेश का सिवनी जिला, दक्षिण से पूर्व भाग की ओर महाराष्ट्र का नागपुर जिला, दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर महाराष्ट्र का अमरावती जिला और पश्चिम भाग की ओर मध्य प्रदेश का बैतूल जिला से घिरा हुआ है। छिंदवाड़ा जिला के मुख्य नदी का नाम कान्हा नदी, पेंच नदी, जाम नदी, कुलभीरा नदी, शक्कर नदी और दूध नदी है। इन सभी नदी के हिस्से में बसा यह जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 280 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 930 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छिंदवाड़ा जिला में 7 सब डिवीजन, 13 तहसील, 11 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 22 पुलिस स्टेशन, 264 डाकघर, 1 जिला कोर्ट, 1 जिला अस्पताल, 11 जनपद पंचायत, 1 नगर निगम, 7 नगर पालिका परिषद, 9 नगर पंचायत, 806 ग्राम पंचायतें, 17 शहर और 1995 गांव में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर भी फैला हुआ है। छिंदवाड़ा जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 4,44,000 के करीब है और यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी, मराठी और उर्दू है। आबादी की बात करें तो छिंदवाड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का 8वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का पहला सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा जिला का अभी मौजूदा समय भी कुल आबादी 24,26,000 के करीब है। वैसे साल 2011 की जनगणना के अनुसार छिंदवाड़ा जिला की कुल आबादी 20,91,000 के करीब है, जिसमें की पुरुष की आबादी 10,65,000 है,
नागपुर महिला की आबादी 10,26,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 964 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुष पर 964 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 19,20,000 है, लगभग 92% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 1,04,000 है, लगभग 5% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से छिंदवाड़ा जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदिरा प्रिय दशनी कॉलेज, एसएस कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, डेनियलसन कॉलेज, पीजी कॉलेज, राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज, सतपुरा लॉ कॉलेज और सोनी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 71% के करीब है। छिंदवाड़ा जिला के 20,91,000 की आबादी में 14,89,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 8,42,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 79% के करीब, और महिला 6,47,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 63% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो छिंदवाड़ा जिला की आबादी के अनुसार इस जिले में 9,58,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 9,58,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ की आबादी के अनुसार लगभग 46% के करीब है। वैसे छिंदवाड़ा जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। छिंदवाड़ा जिला कान्हा नदी, पेंच नदी और कुलभीरा नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका ज्यादातर इलाका काफी उपजाऊ है। छिंदवाड़ा जिला में इनकम का मुख्य साधन खास तौर पर खेती के फसलों द्वारा किया जाता है, जिस वजह से इस जिले का प्रति व्यक्ति इनकम 54,750 के करीब है। छिंदवाड़ा जिला के 11,815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे लगभग 7,26,000 हेक्टेयर पे खेती का कुल पैदावार किया जाता है, और 4,550 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगल के हिस्से में आता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, मक्का और संतरा यहाँ के मुख्य फसल है। खनिज के मामले में इन जगहों पर कोयला, मैग्नीज, जस्ता, बॉक्साइट और संगमरमर का खनन किया जाता है। छिंदवाड़ा में वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेमंड्स ग्रुप, नगोडा ग्रुप और आरा बिल जैसे व्यवसाय के अलावा इस जिले में कई सारे छोटे बड़े व्यवसाय स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को और छिंदवाड़ा जिला वासियों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों पर घूमने का आनंद उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। छिंदवाड़ा जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार हनुमान मंदिर सिमरिया, हिगलाज माता मंदिर, हनुमान मंदिर जामसावली, पतालकोट, तामिया, देवगढ़ किला, अनहोनी गर्मकुंड और छिंदवाड़ा जिला के पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। छिंदवाड़ा जिला सड़क और रेल के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 40 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। छिंदवाड़ा जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम छिंदवाड़ा रेलवे जंक्शन है, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, छिंदवाड़ा जिला में कुल मिलाकर 33 रेलवे स्टेशन स्थित है।